और मटन देखिए क्या प्योर खसी का मटन आता है, प्योर खसी मटन है। देखिए आज हम आपको खिलाने वाले हैं पौस इलाका का बस मटन, बिहार में भी ऐसा आपको मटन कभी नहीं खाए होंगे, वो मटन आज हम आपको खिलाने वाले हैं। मटन को साथ चिकन दम बिरयानी खिलाएंगे। ऐसा है कि यहाँ पे पटना का भी लोग आते हैं और विदेश का भी लोग यहाँ रहते हैं, आते हैं, सब लोग आते हैं, अफ्रीका का लोग आते हैं, यहाँ वेस्ट इंडीज लोग आते हैं। अच्छा, अफ्रीका में वेस्ट इंडीज के लोग आते हैं। सुबह की पसंद और शाम की तलब है जनाब, ये जायका मटन और शाही बिरयानी का है, इसकी बात ही बिल्कुल अलग है। आगरे का पेठा और बंगाल का रसगुल्ला तो आपने खाया होगा साहब, लेकिन आज हम आपको खिलाने वाले हैं पटना शहर का मटन के साथ दम बिरयानी वाला जायका। और गाइस, अगर हम लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो पटना के बोरिंग रोड के इलाके में हम है, और बोरिंग रोड में आपको एन कॉलेज के पास आना है, और जैसे एन कॉलेज आइएगा चंपारण भोजनालय, और यही वो चंपारण भोजनालय है जिसमें चंपारण मीट हाउस और मटन हांडी वाला भी स्वाद मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पूरे वीडियो को, और एक नए स्टाइल का जो जायका है वो आप लोगों से शेयर करते हैं, और पूरा मटन का प्रिपरेशन देखते हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से मटन के साथ यहाँ चिकन बिरयानी भी परोसा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो ये क्या तैयार कर रहे हैं आप? ये मटन का प्याज कटिंग कर रहे हैं। ऐसा आज मटन खिलाएंगे कि कोई पटना भर में नहीं, मटन बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा प्याज कटिंग करके बनाते हैं ना, कस्टमर लोग अच्छा पसंद करते हैं। मटन के साथ आज बिरयानी चलेगा। मटन के साथ बिरयानी? हाँ, आज कलकतिया चिकन दम बिरयानी, यानी कलकत्ता चिकन बिरयानी के साथ मटन देते हैं आप लोग? हाँ, मटन भी देते हैं। ये तो पूरे पटना या पूरे बिहार में के नहीं मिलता, पुलाव मिलता है लेकिन बिरयानी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अभी सोच रहे हैं कि अब नया कुछ क्वालिटी चालू करते हैं, पहले तो करते थे। एकदम अच्छा किचन, एकदम व्यवस्था। हाँ। और ये पूरा प्याज कटिंग हो चुका है, ओ भाई साहब, इसको मटन चढ़ा देंगे। अच्छा, इसको पहले प्याज कटिंग कर लिए हैं। कितना प्याज काटे हैं? 4 केजी प्याज है। अच्छा, और मटन कितना तैयार होने वाला है? मटन 6 केजी बनेगा। 6 केजी बनेगा? हाँ, ये खत्म हो जाएगा फिर से बनेगा। अच्छा, तो ये वाला लॉट कितना तैयार हो रहा है? ये वाला अभी 5 केजी मटन बनाएंगे 6 केजी के करीब में। अच्छा, उसके बाद अब प्याज कटिंग कर लिए, अब इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसको कि ताकि गले। अच्छा, अब इसके बाद हल्का हल्दी पाउडर देंगे। अच्छा, गल जाएगा फिर ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद फिर कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई में देने के लिए भी प्याज रखे हैं, दोनों मिक्स करके बनाते हैं। एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, खा कर देखिए। हमारा लोग आते हैं खाने, विदेश से कस्टमर आते हैं खाने के लिए, वेस्ट इंडीज लोग भी आते हैं। वेस्ट इंडीज? हाँ, एक बार आपने बताया था, एक बार पहले वीडियो बनाया था, वेस्ट इंडीज से भी है, तो बस वो एक ही बार आया ना, हमेशा तो आते नहीं है ना? नहीं, हर 3 महीना पे आते हैं। अच्छा, हर 3 महीने पे वेस्ट इंडीज वाले आते हैं खाने। आपको खिलाने वाले हैं पौस इलाका का बस मटन। ऐसा है कि यहाँ पे पटना का भी लोग आते हैं और विदेश का भी लोग यहाँ रहते हैं, आते हैं, सब लोग आते हैं, बराबर खाते हैं। अफ्रीका का लोग आते हैं यहाँ। अफ्रीका का? अफ्रीका में कहाँ? वेस्ट इंडीज लोग आते हैं। अच्छा, अफ्रीका में वेस्ट इंडीज के लोग आते हैं। पहले एक वीडियो वायरल किए थे। हाँ, एक वीडियो आपका हम बनाए थे, तो उस वीडियो से कोई फायदा हुआ था आपको? फायदा जरूर हुआ, बहुत फायदा हुआ। बहुत लोग, बहुत कस्टमर बढ़े, बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा लग रहा है, स्वाद अच्छा है, बॉस इलाका का बॉस मटन आप लोग खिला रहे हैं। यहाँ खाने आना है कि यहाँ मटन का स्वाद अलग है, टेस्टिंग अलग है। और आज आपको हम खिलाने वाले हैं मटन को साथ चिकन दम बिरयानी लेग वाला पीस खिलाएंगे। अरे, मटन के साथ तो हम लोग पुलाव खाते हैं, चावल खाते हैं, पराठा खाते हैं, रोटी खाते हैं, मतलब ये चिकन बिरयानी कब से देने लगे आप? चिकन बिरयानी तो बनता है, लेकिन ऐसे आप लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, पुलाव खाते हैं, लेकिन आज आप लोग को खिलाने वाले हैं मटन को साथ चिकन दम बिरयानी। ये क्या कर रहे हैं अभी आप? ये जो प्याज अभी हम जो चढ़ाए थे, जो हल्का ब्राउन कर देते हैं, उसी को अच्छा तरीके से, स्पेशल तरीके से इसको थोड़ा सा तोड़ दे रहे हैं कि टूटे चढ़ाएंगे। थोड़ा खड़ा प्याज भी उसमें पड़ेगा। देखिए ये चुस्ता है, ओ भाई साहब, इसको देखिए, ये चुस्ता पूरा बिहार का सबसे बड़ा चुस्ता आप ही उठा लिए हैं काजी है? ये चुस्ता है, बढ़िया चुस्ता है, हाई क्वालिटी का चुस्ता है। इसको हम बॉइल करेंगे इसलिए इसका गंदगी पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, विषैला कितना लोग ऐसा ही डाल देते हैं, इलड़ी है, चर्बी है, ये चुस्ता है, कितना लोग ऐसा ही डाल देते हैं। हम लोग ऐसा नहीं बनाते हैं, इसको पूरा चूल्हा जलाएंगे। यहाँ बहुत पसंद करते हैं लोग, बहुत च्वाइस करते हैं। पानी डाल दिए, अब हल्का सा नमक डालेंगे, नमक से पूरा गंदगी कट जाता है, पूरा गंदगी खत्म हो जाता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर पड़ेगा ताकि पूरा गंदगी, कीड़ा जो भी होगा सब कट जाएगा, मैली उली सभी सब जो भी गंदा है सब कट जाएगा। ये सब अब इसको हम कढ़ाई को चढ़ा रहे हैं, ये मटन तैयार होगा। अब इसमें तेल पड़ेगा, पहले इसको चूल्हा जला लेते हैं।
अच्छा, तेल का भी क्वालिटी बढ़िया रखते हैं आप लोग, है ना? जो भी आइटम हमारे पास मिलेगा हाई क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी मिलेगा। क्या रहा है अभी? ये अब कढ़ाई गर्म हो गया, अब इसको कड़ू तेल डालेंगे। कड़ू तेल डाल दिए। कितना तेल लगभग डाल रहे हैं? एक लीटर डाल रहे हैं। एक लीटर 5 केजी मटन बनेगा, 1 लीटर कड़ू तेल डाल रहे हैं। अच्छा, अब फिर ये वाला प्याज पड़ेगा इसमें। देखिए ये चुस्ता लर चर्बी सब अभी यहाँ गर्म किया जा रहा है। ओहो, एकदम सख्त चुस्ता। हाँ, चुस्ता में एकदम मजा आ जाएगा, एक आदमी को भर पेट हो जाएगा। एक आदमी खा जाएगा? हमको तो लग रहा है कि एक आदमी खा भी नहीं पाएगा, नहीं इतना खा बड़ा पाएगा। बहुत ज्यादा ना हो जाएगा, देखना कितना लंबा। तो चुस्ता अगर खाई कोई लेना चाहेगा तो क्या प्राइस पड़ेगा इसका? प्राइस ज्यादा है, 150 रुपया, लेकिन इसको हम 120 रुपये में बेचते हैं मात्र। हाँ, मात्र 120 रुपये में खिलाएंगे इतना बड़ा चुस्ता। हाँ, और इसके साथ चावल खाना चाहेंगे। बताइए 120 का इतना सस्ता चुस्ता। हाँ, फोरन का आइटम हो गया, मटन में जो फोरन पहले देते हैं, तेल गरम हो गया उसमें फोरन पड़ेगा। क्या क्या है? ये खड़ा धनिया है, तेज पत्ता है, बोलकी है, ये जीरा है, लाल मिर्चा है, ये खड़ा गरम मसाला है, सभी आइटम का गरम मसाला है इसमें मिक्स रहता है। और ये तेज पत्ता आपका हो गया है ना? ये इसको अब हम गरम तेल में डालेंगे। ओ भाई साहब, ओ हो 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 हो, फोरन पड़ गया। अब इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट? ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ओ भाई साहब, ओ एकदम पटाखा फूट रहा है। तो इनका पेस्ट हो गया, पटाखा मटर का पटाखा फूट रहा है भाई साहब। अब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, तो फिर प्याज पड़ेगा। ये देखिए खड़ा प्याज है, ये प्याज इसको देंगे। प्याज लगभग कितना होगा ये? ये 1/2 केजी प्याज है। 1/2 केजी? हाँ, इसको ब्राउन करेंगे, फिर नीचे जो प्याज को हम बताए हैं। अच्छा, जो पहले गलाए हुए थे, जो पहले उसको बॉयल किए हैं उसको डालेंगे। अच्छा, इसके बाद? हाँ, ये प्याज को बाद उसको डालेंगे। हो गया ये, अब प्याज डालेंगे, थोड़ा इसको और ब्राउन कर लेते हैं। क्या कॉम्बो का क्या प्राइस होता है? आपको 210 रुपये में हो जाएगा। 210 रुपये में क्या क्या होगा? आपको 2 पीस मटन आएगा और चिकन दम बिरयानी आएगा। अच्छा। उसमें लेग भी रहेगा और रायता और सलाद भी रहेगा उसके साथ। अच्छा, और वो मतलब फुल रहेगा या हाफ रहेगा? हाफ रहेगा। और फुल अगर खाना है तो फुल का क्या प्राइस होगा? 270 में आपका फुल हो जाएगा। फुल हो जाएगा? हाँ। तो उसमें कितना पीस होगा? एक लेग होगा और? उसमें 2 पीस रहेगा, एक लेग रहेगा, एक लेग का ऊपर वाले पीस रहेगा, दोनों पीस लेग का ही सेट रहता है। और उसके बाद आपको 2 पीस मटन मिलेगा। नहीं खाए हैं आज, खिलाएंगे हम आपको चिकन दम बिरयानी को साथ मटन स्टू खिलाएंगे आज। खिलाएंगे इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, तो फिर वो वाला प्याज डालेंगे जो गलाए हैं। तो ये प्याज चला गया है, ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं, तो इसका फिर प्याज जो गला है वो डालेंगे, अच्छा मिलेगा, टेस्टिंग बहुत बढ़िया है, कम तेल कम मसाला, टेस्टिंग अच्छा मिलेगा। 10-15 साल से मटन तैयार करते हैं, ऐसा नहीं है कि कितने लोग बोलते हैं देते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो कढ़ाई में बनाकर हांडी में भर देते हैं, लेकिन हम हमारे पास पूरा ओरिजिनल काम होता है। हम जो भी बनाते हैं अपना मसाला तैयार करते हैं, हम अपना मसाला तैयार करते हैं अपने हाथों से। ओ भाई साहब, कुछ इसमें क्या मतलब कुछ मतलब इसमें पूरा खड़ा गरम मसाला रहता है, पूरा खड़ा खड़ा मसाला रहेगा। हम मंगाते हैं और अपने से हम मिक्सी से तैयार करते हैं, लहसुन वगैरह फोरन सब कुछ देकर हम ओरिजिनल तैयार करते हैं। डुप्लीकेट काम नहीं करते हैं कि हाँ कढ़ाई में बनाए और भर दिए, ऐसा काम नहीं करते हैं। अब ये जो मटन बन रहा है, इससे पहले हम लोग पहले वीडियो बनाए थे, 2-3 महीना पहले, इसके पहले एक वीडियो बनाए थे, उस वीडियो जो वायरल हुआ था। अच्छा, वो जो पहला जो वेस्ट इंडीज वाला वीडियो था? हाँ हाँ, उससे पहले हम लोग कम मटन बनाते थे, 3 किलो 4 किलो ऐसे बनाते थे, कम सेल था। जब वीडियो वायरल हुआ तो बहुत कस्टमर लोग आने लगे, अच्छा सेल होने लगा, स्वाद बढ़िया लगा उन लोग को आते आते। तो फायदा हुआ वीडियो से? आपको फायदा हुआ? बहुत अच्छा हुआ, वेस्ट इंडीज से लोग भी आने लगे देखते देखते वीडियो, वेस्ट इंडीज से भी आने लगे। हाँ, वो लोग भी आने लगे तो वो लोग भी खाए। क्या उन्हीं के दोस्त है क्या जो आए थे एक बार? हाँ हाँ, उन्हीं का दोस्त है, वो लोग भी आते हैं, बराबर आते हैं, हर 3 महीना पे आते हैं। और ये जा रहा है, ये प्याज देखिए ब्राउन हो गया, अब इसको हम ये वाला गलाया जो प्याज है इसको अब डालेंगे। अच्छा, ये इसमें चला जाएगा? अब ये इसको इसमें डाल देंगे। ओ भाई साहब, ये चला गया, अब इसको मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद थोड़ा इसको भुजाएगा अच्छा से, भुजने के बाद फिर मटन डालेंगे, फिर मटन भुजेंगे। और मटन भुजने के बाद हम लोग ठंडा पानी नहीं डालते हैं, कितना आदमी ठंडा पानी डाल देते हैं
उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। पानी को कभी भी डालिए, बॉयल करके ही डालिए ताकि टेस्ट आएगा, बढ़िया लगेगा खाने में। और बिरयानी खिलाएंगे आज आपको 210 रुपया में खिलाएंगे हाफ प्लेट, और फुल प्लेट आपको 270 रुपया में खिलाएंगे, चिकन दम बिरयानी और मटन को साथ। चलिए तो 210 वाला आज हम ट्राई करेंगे। स्पॉट लोग है ना, कोलकाता से मंगाया गया है कारीगर चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए। ये है कश्मीरी चिली हो गया। अच्छा, कश्मीरी चिली। ये हल्दी पाउडर है, ये मिर्चा पाउडर है, ये जो हम आपको चंपारण वाला जो मसाले बताए हैं जो रेडी किए हैं हम अपना हाथों से, ये वाला ये मसाला है, और ये जीरा पाउडर है, ये स्वाद अनुसार नमक है, ये गोलकी पाउडर है, और ये हमारा स्पेशल मसाला है जो इसको हमने तैयार करते हैं। कुछ कुछ सामान जो बाहर से मंगा कर हम लोग तैयार करते हैं, यही तो हमारा स्पेशल है, ये जो पड़ेगा तो स्वाद ही बढ़ेगा। अच्छा, ये सब अभी जाने वाला है। हाँ, ये सब अभी जाने वाला है। पहले जा रहा है, पहले कश्मीरी चिली जा रहा है। कश्मीरी मिर्च, पहले कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं। हाँ, कोई भी मसाला आप डाल सकते हैं, सब तो कढ़ाई के अंदर ही जाएगा। ये हो गया किचन किंग है, किचन किंग डाल दिए। ये हो गया हमारा चंपारण मसाला, जो मटन हांडी बनाते हैं उसको इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया स्पेशल जो मसाला बताए हैं, ये स्पेशल मसाला, यही तो हमारा राज है, ये तो हमारा मसाला स्पेशल है, बढ़िया है। ये हल्दी पाउडर डाल दिए, अब इसको हम चिल्ली डाल दिए, चिल्ली पाउडर, मिर्चा पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, ये गोलकी पाउडर है, ये स्वाद अनुसार नमक डालते हैं, नमक पर। अब इसको मसाला को बढ़िया से भूजेंगे, बढ़िया से भुजाएगा, फिर मटन पड़ेगा इसमें। तो मतलब बकरी खिलाइएगा कि खसी खिलाइएगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग खसी खिलाते हैं, मालिक ही हमारा चॉइस करते हैं, जो हम खसी खाते हैं तो कस्टमर को भी खसी खिलाओ, बकरी क्यों बेचेंगे, बकरी में क्या लाभ है, होटल खोल रखे हैं ना, ठेला का दुकान तो है नहीं, खसी खिलाओ, बढ़िया क्वालिटी दो, बढ़िया पैसा लो। अच्छा, तो यानी कि जो लोग सोचते हैं कि बाहर में मतलब मटन खाने में रिस्क लगता है, तो ऐसा कोई डरने वाला बात नहीं, आपके यहाँ बेफिक्र होकर आ सकते हैं। नहीं डरना है, आप बिल्कुल आप निफिक्र आइए, टेंशन फ्री होकर आइए आप। अच्छा, ये लरी है, ये चर्बी है, इसमें से मटन को साथ कस्टमर को थोड़ा सा ये वाला देते हैं, थोड़ा सा लरी देते हैं, और चुस्ता भी जिसको चॉइस लगे कस्टमर को उनको देते हैं, बहुत हैवी चुस्ता है, साथ ये देते हैं इसलिए कि कस्टमर भी खुश हो जाए कि हाँ कुछ हमको बढ़ाकर ही दिया है, क्या बात, खाने में भी उनको मजा आए। ये चुस्ता डाल रहे हैं, ये मस्त चुस्ता है, 120 रुपया में ही खिलाएंगे आप। 120 में इतना सस्ता दे रहे हैं आप? हाँ, सब जगह नहीं मिलेगा, हम देते हैं, हम खिलाते हैं, हमारे पास ऐसा कोई बात नहीं है कि पैसा मुंह मांगा पैसा हम लोग नहीं लेते हैं, जितना ही रहेगा उतना ही बेचेंगे। मजेदार चुस्ता है। तो चुस्ता लोग कटिंग करवा के खाते हैं? हाँ, कटिंग करते हैं, इसको 3-4 भाग कटिंग कर देते हैं, पूरा चर्बी होता है ना? हाँ, चर्बी अंदर में तेल रहता है, चर्बी रहता है। लोग बोलते हैं कि प्राइवेट पार्ट है चुस्ता? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बहुत लोग अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको नहीं जानकारी हो तो नहीं जानता है, वो बोल देगा ही प्राइवेट पार्ट है, लेकिन ये प्राइवेट पार्ट नहीं है, ये चुस्ता एक हाथ होता है, ये चुस्ता अंदर में ही रहता है खसी को, ये चुस्ता होता है, इसको डॉक्टर लोग भी बोलते हैं खाने के लिए, चुस्ता को साथ कलेजी भी हमारे पास फेमस है। अच्छा, कलेजी में हम मटन डालेंगे। देखिए भाई साहब, ये थोड़ी देर तक खोल रहा है मटन, ये रोगन आ गया, कितना बढ़िया आ गया, और ये मटन का पीस है। हाँ, ये दिखाइएगा मटन का पीस, ये देखिए। अच्छा, ये लग रहा धोया हुआ है? हाँ, ये सब धोया हुआ है। बहुत लोग धोते नहीं, बोलते हैं धोने से टेस्ट खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, धोएंगे नहीं तो फिर कैसे होगा, इसमें खसी करता है तो बाल रहेगा, ये थोड़ा सा गंदगी रहेगा, ये सब धो देंगे तो साफ ना हो जाएगा, इसको धो दिए अभी। कौन सा पीस है इसमें? लोग सीना का पीस है। अच्छा, सीना का पीस है, ये गुद्दा वाला मांस वाला पीस है, ये नली वाला पीस है, और कलेजी, कलेजी ये देखिए भाई, कलेजी बहुत लोग चॉइस करते हैं, क्या बात, कलेजी का हमारा सेल और चुस्ता का सेल बराबर है। हाँ, पड़ रहा है, देखिए ये चला गया, कलर कितना खूबसूरत आ गया, देखिए कलर कितना मस्त आ गया। तो इसमें कोई मतलब फूड कलर नहीं, मतलब आप लोग यूज करते फिर भी कलर आ गया इसमें? नहीं, हम कलर कुछ नहीं डालते हैं, आपके सामने हम सब कुछ डाले हैं, मसाला डाले हैं, तेल डाले हैं, प्याज डाले हैं, प्याज जो उसको हम बॉयल किए हैं उसको डाले हैं, कुछ नहीं हम लोग। मेरे कारण हमको लगता है ना कि ये चर्बी जो है, चर्बी के कारण ये पूरा रंग आ गया एकदम।
चर्बी तो थोड़ा सा ही पड़ता है, वो भी थोड़ा रोगन छोड़ता है, लेकिन मसाला मसाला भी रोगन छोड़ता है, जो हम आपको स्पेशल मसाला बताए हैं, जो ये मसाला हम तैयार करते हैं। और मटन देखिए क्या प्योर खसी का मटन आता है, प्योर खसी मटन है, देखिए ये बनेगा अपने आप ही और ये तैयार हो जाएगा। मटन है ना, ये बकरी हम लोग नहीं ना देते हैं कि हाँ दो घंटा तक सीज रहा है, और जाफल पपीता कितना आदमी डाल देता है, वो लोग हम लोग नहीं डालते हैं वो सब सामान। खसी बनाते हैं, एक घंटा में तैयार करते हैं, खुद कस्टमर ही हमारा बताते हैं कि हाँ क्या मटन है। तो ये देखिए आप रंगत चेक करिए, बहुत बढ़िया। और क्या लग रहा है कितना देर अभी और समय लगेगा? हाँ अभी मटन देखिए, मटन भुजा गया, मटन को साथ मसाला भी भुजा गया, रोगन में भी आ गया, कलर में भी आ गया। अब इसके साथ अब पानी डालेंगे, देखिए हल्का ड्राई टाइप का हो गया। अब इसको देखिए पानी बॉयल कर लिए, हम बोले थे जो पानी बॉयल करके डाला जाता है ताकि स्वाद और कलर अच्छा आता है। और देखिए सुसुम पानी डाल रहे हैं, अब इसको थोड़ा मटन को सिझा दिया जाएगा। सिझ जाने के बाद फिर इसको देखेंगे सिझा कि नहीं सिझा, तो फिर बाद में जो आपको मसाला दिखाए थे, जो हमारा ये स्पेशल मसाला है, उसको थोड़ा सा ऊपर से कौन चंपारण वाला, हाँ चंपारण वाला स्पेशल मसाला, उसको थोड़ा सा ऊपर से छिड़क देंगे। चलिए भाई, इस पिटारे को ढक दिया गया है। आलू डाल रहे हैं, आलू डाल रहे हैं, कलकतिया बिरयानी। अच्छा कलकतिया बिरयानी, हाँ कॉम्बो में मिलता है। अच्छा मटन के साथ लोग ये भी बिरयानी खा रहे हैं? हाँ। मतलब मटन और चिकन एक साथ मिलेगा मजा? हाँ। आलू टेस्ट वाला लाजवाब है ना, टेस्ट पढ़ना मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा नहीं। लेकिन लोग 50 किलो 100 किलो बना रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिरयानी का झोल है, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें नमक रहता है, मिर्चा रहता है, गरम मसाला रहता है। बिरयानी का झोल है, मसाला अपना बनाया हुआ है। अच्छा अपना बनाया हुआ मसाला, अपना तैयारी किए हुआ है। अच्छा एक गरम मसाला जो अपने से बनाते हैं। अच्छा यही मेन मसाला है। तो ये वाला गरम मसाला क्या यही वाला मटन में पड़ा है क्या, या कोई अलग? ये अलग है मसाला, ये अलग है, अलग से बनाते हैं। अच्छा कौन सा चावल यूज करते हैं इसमें? इंडिया गेट है, इंडिया गेट है। अच्छा ग्रीन चिल्ली भी डालते हैं? हाँ ग्रीन चिल्ली भी डालते हैं। ओहो ये टेस्टी के लिए, नमक स्वाद अनुसार, राइस राइस में पकड़ने के लिए। अच्छा इसे टेस्टी आता है इससे। ये जा रहा है इंडिया गेट चावल, इंडिया गेट चावल, ये देख सकते हैं, चेक कर लीजिए, बिरयानी वाला चावल है। ओ भाई साहब कम बनाते हैं, फिर खत्म हो जाता फिर बनाते हैं। अच्छा लॉट पे लॉट तैयार होता है क्या? फ्रेश बिक्री करते हैं। राइस होगा तो इसी में आएंगे। खुला? हाँ खोल रहा है। ओहो भाई साहब क्या बात है, लग रहा है कि तैयार हो क्या लग रहा है। ओ भाई साहब तो एकदम बाहुबली चुस्ता है, रोगन देखिए कितना मस्त रोगन तैयार, जबरदस्त, ये तो एकदम खोल रहा है एकदम। कस्टमर लोग यहाँ चाहते हैं कि थोड़ा चम्मच से तोड़े तो टूट जाए, ऐसा पीस यहाँ लोग खोजते हैं ना। ये हाँ ये पानी में डाल के एक पीस चेक कर ले रहे हैं, पीस सिज गया है, सिज गया है। ओ भाई साहब इसको एकदम सिज चुका है, सिज गया है। अब इसको दो मिनट में बंद कर देंगे। अब लोग आया खाया और अच्छा ये वाला मेरे साथ फोटो लिया, दिखाइएगा जरा जूम करिएगा, देखिए। अच्छा ये आप ही हैं? हाँ ये लोग है, दो आदमी है और दो इधर में, चार आदमी है, स्टाफ लोग है, मतलब वेस्ट इंडीज से भी लोग आए हैं खाने के लिए, क्या बात है भैया। ओ भैया पहले भी आपको थोड़ा नजदीक करते हैं वरना नहीं दिखेगा, इसके पहले भी फोटो आपको दिए थे हम, क्या हाँ पहले वाला भी दिखाए थे, लेकिन इस बार नए जनता लोग हमारे साथ जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं तो उनको भी दिखा दिए। बराबर आते हैं लोग, फिर छठ पूजा बाद आएंगे लोग, बात हुआ है फोन से। अच्छा फोन किए हैं? फोन करते हैं वो लोग, कहीं नहीं जाता है लोग, कटिहार भागलपुर मुंगेर सगरो जाता है, पसंद नहीं पड़ता है, यहाँ आते हैं लोग खाने के लिए। बंद कर देंगे, देखिए क्या खूबसूरत है, आज खिलाएंगे मटन को साथ चिकन दम बिरयानी। केसर डाल रहे हैं? अच्छा केसर, जफरान। अच्छा जफरान, इसका काम क्या होता है? इसका फ्लेवर अच्छा आता है, टेस्टी है लगता है। अच्छा फ्लेवर अच्छा आता है इससे, तो बिरयानी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। खाने के लिए बच्चे लोग भी खा सकते हैं। अच्छा हम सिंगल भी खा सकते हैं क्या? हाँ सिंगल भी खा सकते हैं, बहुत लाजवाब हम लोग का रायता, हर जगह रायता। हाँ रायता भी ऐसा नहीं मिलेगा पटना में जो हम रायता बनाते हैं। अच्छी घी जाएगा? देसी घी है। ओ घी भी जाता है? हाँ देखिए देसी घी पड़ रहा है, ये घी डालते हैं। कितना घी तो मार्केट से ही आता है, लेकिन मार्केट वाला घी हम लोग नहीं डालते, उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता है। घी तो काफी ज्यादा डाल रहे हैं लोग, एक चम्मच डालते हैं मटन में, तो आप दो तीन चम्मच डाल दिए, घी ज्यादा, चार चम्मच, बाप हंडी में भी डालते हैं, स्टीम में भी डालते हैं। ओ भैया पांच चम्मच, क्या बात है भाई साहब।
घी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं। तैयार होने के बाद जो आपसे हम बोले थे कि हमारा एक स्पेशली मसाला है, ज़्यादा ही मसाला है, उसको हम बोले थे जो डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से, यही मसाला है जो डाल रहे हैं हम, ये हमारा स्वाद को बढ़ाएगा। फाइनली आपका जो थाली है वो यहाँ सज गया है, यानी हमारा थाली आपके लिए वर्चुअली ये थाली पेश किया गया है। और ये मटन है, मटन का दो पीस है, तो देर नहीं करते, इसका खुशबू इतना बढ़िया है कि हमसे रहा नहीं जा रहा है भाई साहब। तो देखिए चम्मच उम्मच तो अपने बस का बात है नहीं भाई साहब, चम्मच को हम करते हैं यहाँ साइड। क्या है, कीड़ा है, ये तो लग रहा है कि मतलब गुलाब का फूल डाला हुआ है एकदम, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको अभी हम ऐसा ही सजा के रखते हैं, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा हम पहले प्लेन हम चिकन जो बिरयानी है इसका हम थोड़ा सा एम्बियंस लेते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया, प्लेन बिरयानी का टच, एकदम कलकत्ता वाला टच मिलेगा आपको। रायता के साथ मसाला वाला डाला हुआ है, और ये जो रायते हैं भाई, इसका एक अलग ही मतलब बात होता है बिरयानी के साथ खाने का। थोड़ा सा ट्राई करते हैं मिलाकर। बहुत ज्यादा इसमें आपको मेहनत नहीं लगा, सिंपल तरीका में बहुत ही बढ़िया टेस्ट मिल रहा है भाई साहब। और भाई साहब ये आ गया मटन किंग, तो मटन के साथ, ओ भाई साहब ये नल्ली का पीस देख रहे हैं आप, ये नल्ली का पीस मैं निकाल रहा हूँ, ओ भाई साहब ये पूरा नल्ली का पीस ये अलग हो रहा है, ये देखिए मतलब गर्म है, पूरा नल्ली अलग हो गया। नल्ली के पीसेस को आप जब एक्सपीरियंस करिएगा तो बहुत मतलब मजा आएगा भाई साहब, इसका जो हड्डी है एकदम हड्डी अलग हो गया। इसका पीस हम थोड़ा सा इस चिकन की बिरयानी में मिलाते हैं। जबरदस्त, चावल रोटी पराठा पुलाव से हटकर एकदम जायका है भाई, लिटरली पटना के बोरिंग रोड में ये जो चीज मिल रहा है ना, मतलब मैं झूठा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक बार आओ, एक बार खाइए, नहीं टेस्ट मिले तो मुझे कमेंट करिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, मतलब इसके जो पीस है ना एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से पके हुए, देखिए ओह क्या बात है भाई साहब, मखमल की तरह है भाई, अब क्या चाहिए आपको, हाँ बिना दांत वाले बूढ़े भी भैया खा सकते हैं इस मटन को, क्या चाहिए, नकली दांत वाले भी लोग खाएंगे, अब क्या चाहिए। और ये है लग, यही है वो जिसके लिए कुर्सी तोड़ा तोड़ी हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, मारा मारी हो जाता है, लोग इसके लिए इतने दीवाने हैं भाई साहब। चर्बी के साथ ये है पूरा कलेजी, क्या बात है, इस कलेजी को थोड़ा हम मिलाते हैं इसमें, ओ भाई साहब इसको इसी में डालते हैं, इसका खूबसूरती इसी में बना हुआ है। और ये देखिए कलेजी के साथ इसमें हम मिलाते हैं, और एक मॉन्स्टर बाइट लेते हैं, थोड़ा सा पीछे रहिएगा। फील करके खाइए भाई, फील करके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा स्वाद है, मतलब आराम से बैठकर खाइएगा, एसी में बैठकर खाइएगा, एम्बियंस के साथ खाइएगा, पॉश इलाके में बहुत मटन खाते हैं, यही है, बहुत ही बढ़िया। और ये तो इसका बात अलग है भाई, चिकन लवर्स जितने भी ये कमेंट करिए, मटन और चिकन का संगम हो रहा है। बहुत बड़ा पीस नहीं है, एकदम नॉर्मल सा पीस है, और बहुत ही अच्छे तरीके से पके हुए हैं ये लेग पीस, तो देर नहीं करते हैं भाई, ओवरऑल रेटिंग जो मेरा है इस पूरे थाली का, मटन के साथ चिकन वाली थाली का 4.8 रेटिंग है आउट ऑफ 5, ओवर करते हैं इस पूरे थाली को इस वीडियो में, एक नए से जगह पे लोगों के साथ लहरियां लूटते हुए। करिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।